शाकरी ग्यारहवें इमाम का खादिम है, वो ये कहता है कि पूरे के पूरे लोग जहां इमाम के दुश्मन इकट्ठे हुआ करते थे पीर और जुमेरात के दिन दारुल खिलाफा में, जहां बड़े बड़े सवार आते थे, बड़े बड़े दौलतमंद आते थे, बड़े बड़े अहले बैत के मुतासिब आते थे, और उसी हाल में बुलाया जाता था इमाम अलैहिस्सलाम को भी, काहे के लिए, जलील करने के लिए। मगर अजीजो याद रखना, जिसको खुदा इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता, उसे कौन जलील कर सकता। तो खुद शाकरी कहता है मैंने देखा जब ये कायनात का हुजूम इकट्ठा होता था और इमाम सवारी पे आते थे दारुल खिलाफा में, तो मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि लोगों के सांस बंद हो जाते थे, वो जो हमेशा अहले बैत की बुराइयां करते थे अब वो चुप हो जाते थे, हद है हद, वो जो घोड़ों की आवाजें होती थी जैसे ही इमाम के कदम जमीन पे पड़ते थे तो घोड़ों की हिनहिनाहट बंद हो जाया करती थी, ऐसा रोब। और वो लोग जो बेइज्जती के लिए बुलाया करते थे, जब इमाम जाके बैठता था तो पूरा मजमा एहतराम के लिए खड़ा होता था, और जब इमाम के जाने का वक्त होता था तो मैंने देखा कि जो खदाम बेइज्जती के लिए रखे गए हैं वो खुद इमाम की सवारी लाया करते थे और एहतराम के साथ इमाम को सवार किया करते थे। बाजीजो एक जुमला कहना चाहता हूं, दरबार तुम्हारा है, हुकूमतें तुम्हारी हैं, खादिम तुम्हारे हैं, जबाने तुम्हारी हैं, लेकिन जिसका तज़किरा हो रहा है वो अली का लाडला है, फातिमा का लाडला। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले। करके देखिए कभी आप ऐसा इज्तिमा कि जहां पे बुलाया हो किसी को बेइज्जती के लिए और फिर वो वहां से इज्जत पाके जाए। अब भी समझ में ना आई नालायक इंसान के कुदरत खुदा क्या है। जिसको तुम बेइज्जत करना चाहते हो हम तुम्हारे ही घर से उसे इज्जतें दे के भेजेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम हमारे रास्ते पे चल के तो देखो, बात समझ रहे। तो बुलाया बेइज्जती के लिए मगर घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया। अच्छा इन घोड़ों को किसने बताया ये इमाम है? इसका मतलब यह है कि खिलाफत और हुकूमत छीन के लोगों के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत की जा सकती है मगर हैवानों पे हुकूमत नहीं की जा सकती। चाहे बड़े से बड़ा हाकिम आ जाए कोई हैवान एहतराम नहीं करता। दूसरी बात सुनिए, मुतवक्किल के घर में कुछ बत्तखें पाली गई हैं, मुर्गाबियां, और उनका काम यह था जब भी कोई आता था तो वो इतना चीखना शुरू करती थी कि कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन जब इमामत के कदम पड़ते थे तो ये बोलती नहीं थी। क्यों? मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि वो किसी के एहतराम का मोहताज नहीं है। हैवान पलेगा तुम्हारे घर, खाएगा तुम्हारे घर, एहतराम करेगा इनका, किया या नहीं किया? तो ये दो वाक्य सुनिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम किसी के एहतराम के मोहताज नहीं है, कायनात का जर्रा जर्रा उनका एहतराम करता है। और फिर यही नहीं, अब सुनिए, जब बात आई गई तो कहता चलो कितनी बारीकियों में जाके आपके लिए मिला। बादशाह ने एक बेहतरीन घोड़ा जिसकी कीमत पूरे अरब में नहीं थी, इतना बेहतरीन घोड़ा। अब ये बताइए जो अपने लिए बादशाह तलब करेगा वो कितना बेहतरीन होगा? बड़ा अजीम घोड़ा, देखने में बड़ा खूबसूरत घोड़ा, और उसकी कीमत अदा करके लाया है ताकि सवारी कर सके, और अब जब सवार होना चाह घोड़े ने उलट दिया। अब तुम दुनिया पे तो हुकूमत कर सकते हो, हैवानों पे नहीं। उसने पलट दिया और ना कि किसी वजीर से तुम सवार हो जाओ उसको, वो वजीर सवार होना चाहो उसे पलट दिया। अब बुलाया गया वो जो सरकश घोड़ों के माहिर होते हैं उनको बुलाया गया,
कि किसी तरह तुम इसके ऊपर सवारी करके दिखाओ। मुस्तईन बिल्ला ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बड़े बड़े माहिर, बड़े बड़े घोड़ों के उस्ताद, जो हर घोड़े को अपने काबू में ले सके, मगर वो भी आए, वो भी इस घोड़े पर सवारी ना कर सके। अब एक चापलूस ने एक मशवरा दिया और कहा, ये देखिए दरबार इनका है, हुकूमत इनकी है, आदमी इनके हैं, घोड़ा इनकी कीमत से खरीदा गया है, पूरा मजमा लगा हुआ है, ऐसा कौन हो सकता है जो इस घोड़े पर सवारी कर सके। जिल्लत देने के लिए एक सिपाही ने मशवरा दिया बादशाह को, आप ऐसा कीजिए कि कैद खाने से हसन अस्करी को बुलाइए। क्यों? इसलिए कि हर तरह हमारी मफाद में रहेगा मसला, हमें ही फायदा होगा। अगर घोड़े ने सवारी दे दी तो इसका मतलब घोड़ा सही हो गया, जो हमारा मकसद है ये सही हो जाए, सरकश ना रहे। और अगर नहीं कर सका तो इतनी बार सवार कराएंगे कि वो पलटता रहेगा, इसी तरह हसन अस्करी कत्ल हो जाएंगे, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस किस साजिश थे, किस किस तरह कत्ले इमाम की कोशिश की जा रही है कि कम से कम इसी बहाने से कत्ल हो जाए। एक आदमी को कत्ल करने के लिए पूरी हुकूमत परेशान है, बात समझ रहे, सब परेशान है किस तरह कत्ल करें। इसलिए कि जहां भी भेजते हैं वहीं इनके लोग कसीदे पढ़ने लगते हैं। कुल 28 साल की उम्र है इमाम की, कुल 28 साल, और ये जब इमाम बने हैं इमाम अलैहिस्सलाम तो कुल 6 साल इमाम रहे जाहिरन, कुल 6 साल। और इस 6 साल के अरसे में वाकयात देखे किस किस तरह परेशान किया जा रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आइए, एक घोड़ा लाया गया है, किसी को सवारी नहीं दे रहा है। अच्छा ये बताइए आप इंसाफ से कि जो घोड़ों के माहिर थे उन्हें भी सवारी नहीं दी, तो कम से कम तुम्हें यह सोचना चाहिए, वो तो बेचारे कैद खाने में ज्यादा रहे, घोड़े पे ज्यादा बैठे भी नहीं, मगर उन्हें बुलाया जा रहा है, बुलाइए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आए कैद से, क्या बात है? कहा ये हमने बेहतरीन घोड़ा है, बड़े पैसे में खरीदा है, लेकिन ये किसी को सवारी नहीं दे रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हम सवार होंगे, हम सवार होकर दिखाएंगे। इसलिए कि खून अबू तालिब किसी मुमारसत का मोहताज नहीं होता। चले इमाम अलैहिस्सलाम, कहते जब भी कोई घोड़े के करीब जाता था उसका लगाम पकड़ता था, वो इतनी तेजी से उछलता था कि कोई बैठ ही नहीं सकता था, लेकिन इसने इमामत के कदमों की खुशबू को महसूस किया, अपनी गर्दन झुका दी, गर्दन झुका दी इमामत के साथ। देखिए कितनी नाला, इतने मोजज़ात जो आप सुन रहे हैं वो सब आंखों से देख रहे थे, लेकिन अगर ज़र्फ़ पाक ना हो तो इमामत समझ में नहीं आती।